वेलकम टू चैनल। आपके लिए और एक वैकेंसी लेके आया हूँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। डिटेल्स देख लेते हैं, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ ताकि आप लोग इसी तरह जॉब अपडेट हर रोज मिलते रहेंगे आपको। चलिए देख लेते हैं क्या डिटेल्स वैकेंसी है। देखिए वैकेंसी पोजीशन है सीनियर मैनेजर। ओके, सीनियर मैनेजर उनका सैलरी दिया हुआ है, देखिए 80,000 से 220,000 है। ओके, टोटल पोस्ट इसी तरह का ग्रुप में है, ओबीसी डिटेल्स है। और अकाउंट ऑफिसर, ओके, वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर है, मटेरियल ऑफिसर ये वैकेंसी है। ओके, देन का जो पे पार्क एंड प्लेसमेंट के लिए देखिए पे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर के हिसाब से 1, 2, 3, 1, 8, 2 और E5 है, पे स्केल है। पोस्ट सीनियर मैनेजर के लिए E5 है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए E2 है और मटेरियल ऑफिसर के लिए E1 है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा एट एनी यूनिट्स और ऑफिसेस ऑफ NFL आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ओके, देन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैनेजर के लिए, देखिए 45 ईयर्स, मैक्सिमम आपका 45 ईयर हो जाना चाहिए, CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और 2 ईयर्स और फुल टाइम और रेगुलर MBA और PGDM चाहिए, 2 मेजर ऑफ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मिनिमम 13 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंट ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, वहाँ पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम दी अकाउंट कॉस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो 2 ईयर्स फुल टाइम, लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ पर मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपको। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 ईयर्स है, डिग्री इन इंजीनियरिंग और फुल टाइम रेगुलर MBA चाहिए, PG डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मटेरियल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स है, उसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, फुल टाइम रेगुलर MBA और PG डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। कट ऑफ डेट देखिए 30 अप्रैल का कट ऑफ डेट है। एज लिमिट जैसे कि UR कैटेगरी ST कैटेगरी की है, उसी के हिसाब से आपका एज लिमिट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बोल दिया हूँ, वर्क में बोल दिया हूँ, और मटेरियल ऑफिसर मिनिमम रिक्वायर्ड सिटी से लैक्स पर है ना, ये सभी बोल दिया हूँ। देखिए एप्लीकेशन फी कितना है, E5 जो सीनियर मैनेजर का है 1000 का है, E1 एंड E2 के लिए 700 है। आपको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले डिटेल्स एडवर्टाइज में मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आपको, और डिटेल्स पढ़ लेना है और भी क्या क्या चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए NFL का ये जो वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com, वहाँ पर जाना है, जाके करियर सेक्शन में जाना है, फिर रिक्रूटमेंट इन NFL सेक्शन में जाना है, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन मटेरियल्स एंड फाइनेंस में जाना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन डुअली फील्ड साइन करना होगा, उसके साथ आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स है आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपको वहाँ पर एक एनवेलप में आपको सेंड करना है। एनवेलप के ऊपर में आपका एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ये ऊपर लिखा रहेगा, और जो पोस्ट अप्लाई करेंगे पोस्ट ऑफ डेस्क लिखेंगे, जैसे कि आप सीनियर मैनेजर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। ओके, फिर आपको क्या करना है, वो सभी एनवेलप के अंदर रखने के बाद ये जो एड्रेस है ये एड्रेस को भेज करना है चीफ इंजीनियर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, A11 सेक्टर 24 नोएडा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301, ये एड्रेस में आपको भेजना है। अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया जाएगा। ओके, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ये सभी डिटेल्स रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आप देंगे उसको सर्टिफिकेट सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट जो जेरेक्स सर्टिफिकेट के नीचे आपको क्या करना है, साइन करना है, साइन करना आपको भेजना है। उसके बाद आपका आपका जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो आप दिए हैं उसके हिसाब से आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा, फिर आपका ईमेल किया जाएगा, आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रहना है, जहां पर आपको डिटेल्स अपडेट मिलेगा। ओके, देन रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट नॉर्थ फेसेस मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर फर्स्ट टाइम चैनल व्यू कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।